आइए नाज़रीन, आज हम आपको गोला कबाब की एक और रेसिपी देते हैं जो कि हमने मिंस से तैयार की है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो जो मसाला जात लिए हैं उसमें 1 टीस्पून फुल जो है चिली पाउडर है, 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून फुल सॉल्ट है और 3/4 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है पिसा हुआ, जिसकी रेसिपी जो है वो इस चैनल पर मौजूद है। 1 बंच जो है वो हमने फ्रेश कोरिएंडर का लिया है, 1 ग्रीन पोपो लिया है यानी कि कच्चा पपीता, और 3 to 4 जो है वो हमने ग्रीन चिलीज ली हैं, 2 लार्ज अनियंस लिए हैं और 1 इंच की हमने जिंजर का टुकड़ा लिया है। 1 kg जो है हमारे पास इस वक्त बीफ का मिंस है जो कि मीडियम क्वालिटी का है। पोपो जो है पपाया उसको हमने आधा आधा कर लिया है, सीड्स जो हैं उसमें से स्क्रेप आउट कर दिए हैं और उसको काट कर हमने ग्राइंडर में डाल दिया है। इसी तरह जिंजर पील कर ली है, उसके स्लाइसेस कर लिए हैं और फिर हमने इसमें 4 to 5 ग्रीन चिलीज जो हैं वो ऐड कर दी हैं। कुकिंग ऑयल डाला है 1/3 कप होगा और उसके साथ हमने इसको पीस लेना है। अब हमने 1 बंच जो है वो इसमें फ्रेश कोरिएंडर का डाला है और उसको भी हमने साथ ही पीस लिया है। और ये देखिए, ये जो पेस्ट है ये हमारा अब तैयार है। अब हम जो है सारी स्पाइसेस हमने जो ली थी वो कीमे में डालेंगे और जो ग्रीन पेस्ट हमने तैयार किया था वो भी मिंस में डाल देंगे। और इसके बाद हमने 2 अनियंस जो थे उसको कश कर लेना है लार्ज साइज के, और इनको अब हमने जिस हद तक हो सके स्क्वीज करना है। कोई बहुत ज़्यादा निचोड़ने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस हद तक हो सके 2 to 3 अनियंस लार्ज साइज के जो हैं वो इसमें डाले जा सकते हैं। अब आप इस मिंस को मशीन में पीस लें। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि सीख कबाब जो हैं वो टिकते नहीं, टूट जाते हैं, चपली कबाब टूट जाते हैं। वो टूटते इसलिए हैं कि आप उसको पीसते नहीं हैं। अगर आप पीसेंगे नहीं, ब्लेंड नहीं करेंगे तो उसकी ये शक्ल कभी नहीं होगी आटा सा जैसे कि आपको इस वक्त मिंस का दिखाई दे रहा है। इसमें फाइबर बन गया है इसको घुमाने से, पीसने से या घोटने से या गूंधने से। तो फाइबर बनेगा तो ये जुड़ा रहेगा, फाइबर नहीं बनेगा तो ये गिर जाएगा। आप सिल पर पीस लें, कुंडी में पीस लें, हाथ से ही गूंध लें, जिस हद तक उसमें आप फाइबर बना सकते हैं आप बना लें और फिर उसको आपने स्क्यूअर्स पर चढ़ाना है। कॉटन लिया है हमने धागे की एक रील जिसको हमने नीचे रख लिया है जमीन पर, क्योंकि हमने इसको गोला कबाब पर लपेटना होगा। एक हमने अब जितना हमने गोला कबाब बनाना है उतना मिंस का बॉल बनाया है रफली, और उसको फिर हमने स्क्यूअर पे लगा देना है। लगाए हमने किस तरह पर है ये आपको सीख कबाबों की रेसिपी में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा। यहाँ तो जल्दी के मारे बस ये एक आधी हमने लगाते हुए दिखाया है। दस्ता जो है स्क्यूअर का उसके करीब आप कभी भी मिंस या बोटी वगैरह ना लगाएं, क्योंकि दस्ता जो है फिर जल जाता है। तो कोशिश करें कि टिप की तरफ को आपने जो भी बारबेक्यू करना है उसको लगाया जाए। और इसके ऊपर ये देखिए हमने धागा जो है इस तरह लपेट लिया है। अगर धागा नहीं लपेटेंगे तो ये गिर जाएंगे। कीमा जो है उसको आप करीबन रात भर जो है वो मैरिनेट करके रख छोड़ें, फिर ये ठीक बनेंगे वरना नहीं, क्योंकि पपाया को काम करने के लिए वक्त चाहिए होता है। पपाया जो है, पोपो जो है या कच्चा पपीता जो है वो इसमें जायके के लिए नहीं डाला जाता, जायका नहीं होता उसका, बल्कि वो सिर्फ इसको नरम करने के लिए, टेंडर करने के लिए डाला जाता है ताकि ये बिल्कुल हलवा सा हो जाए कबाब जो है। ये बोटी आप छुएंगे तो बिल्कुल मलाई की तरह ये स्मूथ होगी। ऑयल लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है, ऑयल इनमें ऑलरेडी है, चर्बी भी होती है। अब आप इनको गाहे गाहे जो है इनकी साइड बदलते जाएं, और इनको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा तैयार होने में, बस थोड़ा सा ही इनका रंग बदले तो उतार लें। आज तो ये वैसे ज़रा ज़्यादा ही हो गए, और इनको उतारने की जो टेक्निक है कि ये साबुत उतरे वो भी आप देख लें करीब से, कि हमने इस तरह कबाब पे हाथ रखा है और सलाख जो है बीच में से उसको ट्विस्ट किया है पहले और फिर कबाब खींच कर निकाला है। तो यूं ये कबाब जो है ये हो, सीख कबाब हो, वो टूटेंगे नहीं, वरना आगे की टिप जो है उधर से मींस ड्राई हुआ होता है और वो सलाख से चिपकी हुई होती है, अगर आप पीछे से पुश करेंगे तो वो वहीं टूट जाएगा। तो यूं हमारे गोला कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। खाने लगे आप इनका धागा निकालेंगे तो ये बिल्कुल कीमे की तरह ही रह जाएगा। अब हम लंच के लिए एक प्लेट बनाते हैं जिसमें हमने अनियन रखा है काट के, और चटनी ली है जिसमें हमने ग्रीन चिली, सॉल्ट, मिंट और कोरिएंडर डाला है, और साथ ही हमने गोला कबाब रखे हैं और घर की बनी हुई रोटी। आप चाहें तो आप इसके साथ नान या पराठे जो हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये तो थी
गोला कबाब की एक और रेसिपी। खुदा करेगी ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।